तो फ्रेंड अगर आपके इंस्टाग्राम पर आपकी मेल आईडी रजिस्टर्ड है, मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड है, लेकिन इसके बाद भी आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपकी जो मेल आईडी है वो सेम मेल आईडी है जो कि आपके मोबाइल फ़ोन में लॉगिन नहीं हो रही है, या फिर कोई भी इशू आ रहा है, वो मेल आईडी आपके पास नहीं है, प्रेजेंट में आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, कुछ भी इशू आ सकता है, और मोबाइल नंबर पर आपके इंस्टाग्राम कोई भी लिंक जनरेट नहीं कर रहा है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर पाओ। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, आज की वीडियो में आपको बिल्कुल जेन्युइन तरीका बताऊंगा यार। अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उससे अर्निंग कर रहे थे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे खासे फॉलोअर आपके हैं, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको उसको कैसे रिकवर करना है, बहुत जेन्युइन तरीका बताऊंगा फ्रेंड। देखिए होता क्या है फ्रेंड कि कभी कभी कोई कोई सिम पर या कोई कोई मोबाइल नंबर पर यहाँ पर जो लिंक इंस्टाग्राम भेजता है वो नहीं पहुँचती है, तो कैसे हमको अपनी सिम से ये प्रॉब्लम को दूर करना है आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है यार, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूं। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे दिया जाए। तो फ्रेंड सबसे पहले तो आपको ये चेक कर लेना है कि आपके एरिया का जो मोबाइल नेटवर्क है क्या वाकई में अच्छा है, ऐसा ना हो कि आपका जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसमें रिचार्ज नहीं है, या फिर उस पर्टिकुलर एरिया में अच्छा खासा नेटवर्क नहीं आता, क्योंकि बहुत से लोग जो ऐसे भी होते हैं जो BSNL की सिम का इस्तेमाल करते हैं, और BSNL की सिम का जो नेटवर्क है अभी भी 3G है हमारे यहाँ लोकल एरिया में, तो इसलिए फ्रेंड लिंक को एक्सेस करने में जनरेट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, हो सकता है कि किसी के पास आए ही ना, किसी के पास लिंक आए ही ना, तो ये भी बहुत ज़्यादा अपने आप में सोचने वाली बात है। ये सिर्फ BSNL के लिए नहीं है, अदर सिम्स जो होती हैं, जैसे मान लीजिए भाई कि आपके यहाँ पे लगे कि भाई वोडाफोन VI इस्तेमाल कर रहे हो, आप जियो इस्तेमाल कर रहे हो, आपके यहाँ जियो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, कोई और सिम है जो है बहुत ज़्यादा अच्छी चलती है, तो उस पर्टिकुलर सिम को आपको फोकस करना है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो एकदम परफेक्ट सिम का होना चाहिए, उस लोकल एरिया में 4G कनेक्टिविटी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर सिम की, और हाँ कोई भी इंटरनेशनल मैसेज हो, कोई भी इंटरनेशनल कॉल हो, ये जो सुविधा होती है ना वो रिचार्ज होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कहो कि यार मुझे मैसेज नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, और तो सारे एप्लीकेशन के मैसेज आ रहे हैं, और तो सारे मैसेज मेरे पास आ जाते हैं, तो भाई यहाँ पर जो इंस्टाग्राम की जो लिंक होगी ना वो उसी पर आएगी जो वहाँ पे आपका इंटरनेशनल लेवल के जो मैसेजेस और कॉल्स के लिए इनेबल होगा आपका मोबाइल फ़ोन, तभी जाके आपको लिंक देगा इंस्टाग्राम, ऐसे इंस्टाग्राम लिंक नहीं देगा, वहाँ पे आपको उसको एक्सेस करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे मोबाइल में टॉक टाइम है, तो भाई आपको देखो वैलिडिटी के साथ आपको टॉक टाइम ले लेना है, वैलिडिटी के साथ आपको टॉक टाइम लेना है आपके सिम पर, तब जाके आपको लिंक आएगी आपके मोबाइल नंबर पर जो रजिस्टर्ड है इंस्टाग्राम का। लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन और आ जाती है, वो कहते हैं भाई मेरे पास तो सब कुछ है, रिचार्ज भी कर लिया मैंने और वैलिडिटी भी है मेरे पास, सब कुछ है, तो यहाँ पे अब आपको आपके कनेक्टिविटी को चेक करना है, मोबाइल कनेक्टिविटी आपकी कैसी है, अच्छी है, नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी है कि नहीं है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान दे देना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास एक ही सिम है यार, वो भी कभी कभी नेटवर्क रहता है कभी नहीं रहता है, तो सिम पोर्ट करा लीजिए यार, 50 रुपये लगता है, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपके एरिया में अच्छा नेटवर्क देती हो उसके अकॉर्डिंग आप पोर्ट करा लीजिए, 50 रुपये लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर इंस्टाग्राम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो, अगर नहीं है दूसरा अकाउंट बना सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं जाने दो भाई, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट है तो आप करिए, कोई इशू नहीं, अच्छे खासे नेटवर्क की पहल करिए, और जब नेटवर्क पर आप फोकस करोगे तभी जाके इंस्टाग्राम आपको लिंक देगा और आपका जो पासवर्ड है वो आप रीसेट कर पाओगे। तो फ्रेंड मैं ऐसा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कॉन्टेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू सो मच।